हेलो बच्चो लेट्स सी द द क्वेश्चन क्वेश्चन सेड दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ अ हंड्रेड मीटर हाई टावर आर रेस्पेक्टिवली थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक तो यहाँ से हमारे पास क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ अ रॉक का एंड टॉप ऑफ अ रॉक का फ्रॉम टॉप एंड फुट ऑफ अंड्रेड मीटर हाई टावर एक हंड्रेड मीटर टावर है हमारे पास में जिसके टॉप और फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं रॉक के टॉप का वो हमारे पास में थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री है तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ रॉक क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनेगा की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा तो यहाँ से हमने क्या किया सबसे पहले हमारे पास में क्या है एक रॉक है तो ये तो हो गई हमारे पास एक रॉक अब एक टावर है हमारे पास में जो हंड्रेड मीटर हाई है तो ये हमने बोला एक हंड्रेड मीटर हाई हमारे पास में एक टावर हो गया अब देखिए यहाँ से इस हंड्रेड मीटर हाई टावर से एंगल ऑफ़ एलिवेशन जो है टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है ये हो जाएंगे हमारे पास में क्या क्या हो जाएंगे ये देख लेते हैं तो देखिए ये हमारे पास में हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इससे ये एंगल हमारे पास एक तो थर्टी डिग्री गिवन है और एक ही फुट से कितना है फोर्टी डिग्री गिवन है ये हमारे पास हो गया ये तो हो गई रॉक ये हो गया टावर ये गिवन इंफॉर्मेशन है अब हम यहाँ से क्या करते हैं इसको ए बोल देते हैं इसको बी बोल देते हैं इसको सी बोल देते हैं इसको डी बोल देते हैं और इसको ई बोल देते हैं ये हमने बोल दिए अब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक अब हमको हाइट ऑफ द रॉक बताना है रॉक की हाइट क्या होगी हमको बताना है 100 मीटर्स हो गया ये अगर 100 मीटर्स है तो ये भी हमारे पास 100 मीटर हो जाएगा ये अगर हमारे पास ये इसके इक्वल होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डी ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में डी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा बी सी के इक्वल हो जाएगा एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं सी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बी ई के इक्वल हो जाएगा दोनों के दोनों 100 मीटर्स हो जाएंगे ये हमारे पास दोनों के दोनों 100 मीटर्स बता दिए हमने अब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ रॉक हाइट ऑफ रॉक हमको बताना है क्या होगा तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं यहाँ से देखिए यहाँ पे हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई ए डी ई ट्राइंगल हमने कंसिडर किया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टेन थर्टी का हम यूज़ करेंगे टेन थर्टी इज़ को टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास में ए ई e है और डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास में कितना हो जाएगा ई e, डी या डी ई e बोल देंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा इट्स इम्प्लाइज टेन थर्टी होता है वन अपॉन रूट थ्री तो हमने यहाँ से वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा ई डी हो जाएगा और हमको फाइंड आउट करना है ए तो हम यहाँ से इसको इसी तरीके से रहने देते हैं ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब देखिए यहाँ से हमने बोला इन ट्राइंगल हम बात कर लेते हैं ए सी बी या फिर हम बोल सकते हैं ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल की हमने बात की यहाँ से तो यहाँ से टेन फोर्टी फाइव जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास में ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा अब बी सी और ई e, डी तो दोनों सेम ही है तो यहाँ से टेन फोर्टी फाइव हो गया वन तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी सी जो है अब देखिए ए बी जो है हमारे पास दो पार्ट्स में तो हमने बोला बी सी जो है वो तो हमारे पास ई e, डी आ गया तो हमने इसको वन इज इक्वल टू यहाँ से लिख दिया ए ई प्लस यहाँ से बन जाएगा ई e, बी हमारे पास हंड्रेड है डिवाइडेड बाय यहाँ पे ई e, डी बन जाएगा अब ई डी और बी सी तो सेम है तो हमने दोनों को सेम लिख दोनों को ई डी लिख दिया मैंने यहाँ पे ये होगी सेकेंड इक्वेशन अब देखिए हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ रॉक फाइंड आउट करना है इनकी ए ई फाइंड आउट करना है तो हम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन का तो यहाँ से फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड किया तो वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू यहाँ से ए ई अपॉन ए ई प्लस हंड्रेड बनेगा तो यहाँ से कितना बन जाएगा यहाँ पे ए ई प्लस हंड्रेड दिस इज इक्वस टू ए ई रूट थ्री बनेगा यहाँ से हंड्रेड इज ईक्स टू ए और यहाँ पे रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा अब हमको पता है यहाँ से ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा अब रूट थ्री का वैल्यू होता है वन पॉइंट सेवन थ्री टू वन को माइनस करेंगे तो पॉइंट सेवन थ्री टू बनेगा तो हंड्रेड डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन थ्री टू हमारे पास बनेगा ये ये हमारे पास बनेगा ए ई इज टू वन थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स वन मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये यह जो हमारे पास ए है वो आ जाएगा तो हमको हाइट ऑफ रॉक जो है वो कितनी आ जाएगी हाइट ऑफ रॉक तो हाइट ऑफ रॉक जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास ये आ जाएगी हंड्रेड ये हो जाएगा टू थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स वन मीटर्स आ जाएगी तो यहाँ से हमने बोला ये हमारे पास में क्या आ जाएगा हाइट ऑफ रॉक आ जाएगी आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल गुड लक थैंक यू